गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ अभिसार सर और आज आप सबके बीच मैं लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं सम मोर फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, कुछ और हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जिनका यूज हम लोग HTML प्रोग्रामिंग में करते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ क्या क्या होता है। बी टैग, बी टैग का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। ठीक है, बिग जो टैग होता है वो साइज को हमारा बिग कर देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हमारा हेडिंग 1 में जिस तरह का साइज हो जाता है उस तरह का साइज हमारा कर देता है। ठीक है, आई टैग जो हमारा है वो इटैलिक कर देता है। ठीक है, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप लोग समझते होंगे। ठीक है ना, स्मॉल टैग जो हमारा होता है, स्मॉल टैग का काम क्या है, टेक्स्ट को स्मॉल कर देना, काफ़ी छोटा कर देना। ठीक है, आप इन सारे टैग्स का यूज़ करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे या फिर कॉपी पे इसका यूज करके आप लोग हमको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है कि बोल्ड जो हमारे टैग होते हैं, बोल्ड से थोड़ा और ज़्यादा उसको मोटा कर देता है, थोड़ा और बोल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद यू टैग हमारा होता है। यू टैग का काम होता है अंडरलाइन करना। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह। स्ट्राइक का मतलब होता है नेक्स्ट टैग जो हमारा है, स्ट्राइक। स्ट्राइप टैग क्या होता है कि आपका टेक्स्ट तो लिखा रहेगा लेकिन क्रॉस आउट रहेगा, जैसे कि क्रॉस आउट लिखा हुआ है बीच से ऐसे कटा हुआ आएगा। ठीक है, आप इस सब का प्रैक्टिकल करेंगे। सब का काम होता है सब स्क्रिप्टेड। सब स्क्रिप्ट समझते हैं ना, ऊपर की ओर, सॉरी हाँ ऊपर की ओर। यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर में लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट में सॉरी सब में नीचे लिखा जाता है, उल्टा मैंने बता दिया। इसमें सब में नीचे दो लिख मानते हैं, जैसे कि स्क्वायर नहीं लिखते हैं, केमिस्ट्री में आप देखते होंगे नीचे की तरफ पावर दिया जाता है, यहाँ नीचे। लेकिन ये सुपर स्क्रिप्ट है, इसमें ऊपर की ओर रहेगा, यानी सुपर में ऊपर और सब में नीचे। इसका याद करने का तरीका भी है, सुपर में ऊपर रहेगा और सब में नीचे रहता है। ठीक है, आई एन एस टैग है जिसमें इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी कि बीच में टेक्स्ट इंसर्ट रहेगा। ठीक है, डिलीट, डिलीट का होगा डिलीट टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको डिलीट कर देंगे आप, समझ गए। ये सारे टेक्स्ट का आप लोग एक एक करके यूज करेंगे HTML में लिख के। और हमारे पास एक एक्टिविटी निकल के आ रहा है। एक्टिविटी का क्या काम है मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो एक्टिविटी में क्या करना है, ऑब्जर्व द बिलो गिवन HTML कोड एंड फाइंड आउट द एरर्स इन इट। आपको नीचे वाले जो HTML टैग जो हमारे लिखे गए हैं इसमें आपको एरर खोजना है ना, इसमें कहाँ गलतियाँ की गई है, इस गलतियों को आपको खोजना है और उस गलती को आपको बताना है। ठीक है, अगर गलती है तो उसका सही कोड क्या होगा, इसको आप सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख के अभी इस क्लास का वीडियो देखने के बाद इसको आप लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, ये टोटल ओवरऑल जो कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इस कोड में क्या गलत लिखा हुआ, गलत तो है इस कोड में लेकिन क्या गलत लिखा हुआ है सबसे पहले वो बताना है, और अगर गलत है तो इसको सही करके भी दिखाना है, आप सही तरीके से उसको लिख के दिखाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा यूजिंग HR टैग। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। ठीक है, HR टैग का जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो हमारे दो लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल करने का मतलब एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कर देगा, सॉरी तिरछा हो गया। मान लेते हैं यहाँ दो चीज़ लिखा हुआ है, इसके बीच में हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऐसे सीधा। मैंने टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा हो जा रहा है बाबू माउस से, ठीक है ना, तो एकदम सीधा लाइन ड्रॉ कर देगा। इसके अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट पता है ना, लेफ्ट, राइट और सेंटर, एक लेफ्ट साइड से खींचेगा या राइट साइड से, सॉरी थोड़ा सा खांसी है बाबू, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर, तीनों में से किसी भी जगह पे ये खींच सकता है। आप जैसा अलाइनमेंट देंगे वो उस अलाइनमेंट को फॉलो करेगा। द थिकनेस ऑफ द लाइन कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग साइज एट्रीब्यूट्स। आप इसका थिकनेस जो है साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करके बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है ना, अब साइज कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम लोग पिक्सल में देंगे। ठीक है, अब इसका डिफॉल्ट साइज होता है 2 पिक्सल। कभी भी हम लोग HTML या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग किसी चीज़ का साइज देते हैं, लेंथ और हाइट देते हैं, तो पिक्सल में देते हैं। ठीक है, पिक्चर का क्या साइज है तो पिक्सल में बताना होता है, 720x480 पिक्सल ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारे लाइन का थिकनेस जो है वो 2 पिक्सल का आता है। आप चाहो तो 4 पिक्सल कर दो, 6 पिक्सल कर दो, साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, और विड्थ ऑफ द लाइन कैन बी स्पेसिफाइड बाई यूजिंग विड्थ एट्रीब्यूट्स। आप इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। अब विड्थ हमेशा हमारा परसेंटेज में होता है ना, तो ये दो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको विड्थ देना पड़ेगा, तो मान लें 10% विड्थ है। ठीक है, तो 10% के बीच मान लेते हैं यहीं तक इसका चौड़ाई रहेगा, इधर वाला पोर्शन नहीं रहेगा, इतना ही दूर रहेगा, या 10% जितना उस एरिया का होगा वैसे। तो आप लोग ये दोनों लाइन को जरूर लिख लेंगे। अब HR टैग का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इसको भी देखना है।
वन मोर एट्रीब्यूट्स इज देयर विच कैन बी यूज विथ एचआर। एक और एट्रीब्यूट्स है जो कि एचआर टैग के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका नाम है नो सेड एट्रीब्यूट। नो सेड का मतलब, सेड का मतलब पता है ना, परछाई, सेड छाया, विच मेक्स द लाइन एज अनसेड डार्क ग्रे लाइन। आप चाहते हो तो इसको डार्क ग्रे लाइन भी बना सकते हो, अनसेड टाइप का मतलब कि उतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, समझ गए ना। अनसेड का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग लाइन लगाएंगे तो फिर अनसेड क्यों रखेंगे, लाइन ऐसा लगाएंगे जो कि हमें विजिबल हो, ठीक है ना। तो हम लोग उस लाइन का यूज कर सकते हैं। तो आज इसका प्रैक्टिकल मैं चाहता हूँ आपको करके दिखा ही दूँ ताकि आप लोगों को सुविधा होगा। तो ये टैग हम लोग कहाँ लिखते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ये टैग हम लोग वहाँ लिखेंगे जहाँ जिस लाइन के नीचे हमको लाइनिंग देना है, मतलब वहाँ पे हम लोग एचआर टैग का यूज वहाँ करेंगे जहाँ जिस लाइन को हम लोग अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइन कहाँ अंडरलाइन करना चाहते हैं, जब हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे ना एचआर टैग। तो एचआर टैग हम लोग डायरेक्टली अगर लिखते हैं एचआर, तो सीधा सीधा काम कर जाएगा। एचआर टैग ओपन करके बंद कर देना है, हमारा सीधा सीधा वहीं काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल एचआर टैग आपको लिख के दिखाता हूँ पहले, वो नॉर्मली किस तरह से काम करता है, फिर उसमें बदलाव करके मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से काम करेगा, ओके। तो हम लोग आ गए हैं एचटीएमएल कोड पे। एचटीएमएल कोड में हम लोग चाह रहे हैं वेलकम टू क्लास 7 जहाँ लिखा होगा उसके नीचे एक लाइन अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, वो अंडरलाइन हो जाए। तो इसको हम लोग इंटर करके यहाँ पर एचआर टैग लिख देंगे एचआर, और टैग को बंद कर देंगे और सीधा फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश ज़रा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन हो गया ना, इसके ऊपर यहाँ देखिए क्लास 7 के जस्ट नीचे में आप देख रहे होंगे एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन हो गया होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग इसके नीचे लिखना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहेंगे तो इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। आइए इसको ज़रा अंडर, बीच वाला जो हमारा है उसको करके देखते हैं। तो बीच वाला हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर है, तो सेंटर वाले के बीच में लिख देंगे, मान लेते हैं एच आर टैग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग कर दिए, इसको फाइल को फिर से सेव किए और जाके इसको रिफ्रेश कर दिए। देखिए यहाँ पे भी एक अंडरलाइन हो गया। अब इसका लाइन का थिकनेस क्या होगा ये फिर देखना पड़ेगा, लाइन का थिकनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, समझे ना। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा नोटपैड में। नोटपैड में जाएंगे एचआर, एचआर का किसी भी टाइप का एट्रीब्यूट्स लिखने का रूल आपको पता है, पहले बार स्पेस रहेगा और इसमें हम लोग लिखेंगे साइज, इसका साइज क्या रहेगा। और इसके बाद हम लोग स्पेस नहीं डालते हैं, पता है इक्वल्स टू के बाद भी स्पेस नहीं डालते हैं, मान लेते हैं इसका इसका साइज हम लोग डाल देते हैं 20, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसको ज़रा सेव करके देखते हैं क्या बदलाव आता है, ठीक है। हम सेव कर दिए हैं, अब चलते हैं एचटीएमएल में और यहाँ जाकर रिफ्रेश ज़रा करते हैं। देखिए यहाँ पे आप रिफ्रेश किए तो इसकी थिकनेस कितना बढ़ गया है, नीचे भी आप देख रहे होंगे वाइट लाइन हो गया, लेकिन इसमें देखिए नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसके साइज़ को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। इसको कहाँ पर करना है, बीच में करना है या साइड में करना है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपके बुक में भी दिया होगा, देखिए यहाँ पर दिया होगा एचआर विड्थ 50%, अलाइन सेंटर और साइज़ 20। देखिए ऐसे ही हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, आप लोग इसका यूज करके देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग खुद से इसका यूज कीजिए और करके देखिए, ठीक है। या नो सेड करके है, नो सेड भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग नो सेड लगा के चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 20 है और इससे पहले ही हम लोग साइज से पहले ही यहाँ पर हम लोग नो सेड लगा देते हैं, नो एस एच ए डी ई, और यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं, दो अलग अलग एट्रीब्यूट से इसलिए स्पेस डाल दिए, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद फिर एचटीएमएल में जाएंगे, ज़रा रिफ्रेश करके देखिए। अब देखिए यहाँ कलरफुल हो गया है ना। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है एडिंग मूविंग टेक्स्ट टू ए वेब पेज। आप लोग चाहते हो कि मूविंग टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट हमारा मूव करते रहे, ये भी हम लोग लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे ये देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग लिखे थे क्लास 7, वेलकम टू क्लास 7, हम चाहते हैं उसको मूव कराते रहें अपने पूरे पेज में, वो मूव करते रहे। तो उसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे मार्क्यू लिखना पड़ेगा, MARQUE। मार्क्यू हमारा एक तरह का टैग है और उसके बीच में जो कुछ भी हम लोग लिख देंगे वो मूव करते रहेगा, ठीक है। चलिए ज़रा इसको भी लिख के देखते हैं। तो हम लोग कहाँ लिखे थे, वेलकम टू क्लास 7, वेलकम टू क्लास 7 हम लोग यहाँ लिखे थे। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, मार्क्यू, MARQUE, QU के बाद डबल ई, ठीक है ना। डबल ई हम लोग कर दिए, यहाँ टैग बंद कर दिए, स्पेस दे दिए, और यहाँ पे भी हमको ये टैग ओपन अगर किए हैं तो इस टैग को हमें बंद भी करना पड़ेगा ना। तो कॉपी कर लेते हैं, और आपको पता है जो टैग बाद में आता है वो पहले ही बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको हम लोग पेस्ट कर दिए और एक स्पेस यहाँ दे देते हैं,
और यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर दिए, ठीक है, हमारा टैग बंद हो चुका है। आइए ज़रा इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे ये वेलकम टू क्लास 7 जस्ट एज इट इज़ है, लेकिन अब रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए वो मूवमेंट में है, आप देख रहे होंगे इधर से इधर की ओर जा रहा है, ये वाले पोर्शन से इधर जाएगा, फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से निकल के आएगा। इस तरह से हम लोग चाहें तो जितने भी टेक्स्ट है सारे को मार्क्यू में लगा सकते हैं, ये तीनों चारों जो है सारे मार्क्यू में रह सकते हैं, ठीक है। आप एक पेज में मोर देन वन मार्क्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, वन मार्क्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए वहाँ से गया फिर इधर से आ रहा है, इस तरह से हमारा मूवमेंट जारी रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बाबू, ठीक है। तो आज का क्लास ये लगभग लगभग 10-12 मिनट के आसपास का वीडियो है, इस वीडियो को सारे बच्चे देखिए, और जो मैंने एक एक्टिविटी टू दिया था इस एक्टिविटी टू को करके दिखाइए, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। उसके बाद अगला क्लास जो हमारा होगा, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे और उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।